तक आपने वाईफाई का प्रयोग इंटरनेट चलाने के लिए ही किया होगा, लेकिन जल्द वाईफाई आपको बिजली भी उपलब्ध कराएगा। यही नहीं, इससे आप अपना मोबाइल फोन भी चार्ज कर सकेंगे। दरअसल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के शोधकर्ताओं ने इस दिशा में एक अहम सफलता प्राप्त की है। शोधकर्ताओं ने एक डिवाइस को वाईफाई के सिग्नल से चार्ज करके दिखाया है। अमेरिका स्थित MIT शोधकर्ताओं ने वाईफाई सिग्नल को बिजली में बदलने के लिए कैरेटिना एल का इस्तेमाल किया, जो एक खास प्रकार का एंटीना होता है। यह शोध अंग्रेजी पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह विशेष एंटीना ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों को प्राप्त करता है जिसमें वाईफाई किरणें भी शामिल हैं। MIT के शोधकर्ताओं का यह रेटिना एक या टू डाइमेंशनल सेमीकंडक्टर एल से जुड़ा होता है। इसके बाद जैसे ही ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरण सेमीकंडक्टर से होकर गुजरती हैं, तो वे DC इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित हो जाती हैं। इस बिजली से फ्लेक्सिबल डिवाइस की बैटरी चार्ज होती है। MIT के इस टू डाइमेंशनल सेमीकंडक्टर एल ने वाईफाई के सिग्नल का इस्तेमाल करके लगभग 40 माइक्रोवाट बिजली पैदा की। शोधकर्ताओं के मुताबिक 40 माइक्रोवाट बिजली की क्षमता एक साधारण डिस्प्ले वाले फोन और एक सिलिकन चिप्स को चलाने में सक्षम है। कई रेटिना का इस्तेमाल करके रेक्टिफायर तैयार किया जा सकता है और उससे ज्यादा मात्रा में बिजली प्राप्त की जा सकती है। अगर आप ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।